Okay, so Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome back to the second session, second part of session number four. So in this session, our main target is to build this UI. यहाँ पर हम इसका जो है ना mostly ये जो जो white theme and black theme, dark theme है ये हम नहीं बनाएंगे. Just one theme, just ये जो हमें जो dark theme नजर आ रहा है, just हम ये clear ये dark theme ही design करेंगे इसमें इस session के अंदर. और इस सेशन में जरा फोकस करेंगे हम फास्ट कोडिंग करके, जल्दी जल्दी जितना हम जल्दी इसको डिजाइन कर सकते हैं इसको डिजाइन करें. सो दिस वुड बी अ वे टू लेवरेज द स्पीड ऑफ फ्लटर डेवलपमेंट वी कैन डू. सो स्टार्टिंग विद विद दिस डिजाइन. सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजाइन को समझते हैं कि डिजाइन में क्या है. यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट का सेक्शन है, यहाँ पर हमारे पास जो जो हम एंट्रीज कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आएंगी. सो ये हमारे पास एक टेक्स्ट विजिट का सेक्शन है, एक हमारे पास ये रिजल्ट का सेक्शन है, और दूसरा हमारे पास जो है वो हमारे पास बटन्स है. तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ. सो दिस इज द प्रोजेक्ट वी आर हैविंग. इसमें हमारे पास राइट नाउ मेन स्क्रीन है एंड बाकी हमारे पास एक कैलकुलेटर का स्क्रीन है. सो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर का स्क्रीन ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है होम पे. तो वील बी डायरेक्टली गोइंग टू द कैलकुलेटर स्क्रीन. और ये कैलकुलेटर स्क्रीन का यूआई हमने अभी यहाँ पर बनाना है. सो जिस तरह आप लोग यहाँ पर इस डिजाइन में देख सकते हैं. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी रन दिस एप्लीकेशन, रीट्राई. ओके, एप्लीकेशन को मैं ऑलरेडी रन कर चुका हूँ. जस्ट स्प्लैश, जस्ट सिंपल स्क्रीन है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं यूआई को. तो ये हमारे पास तीन सेक्शन है, रिजल्ट का सेक्शन, एंट्रीज का सेक्शन एंड बटन्स का सेक्शन. और तीनों हमारे पास वर्टिकली अलाइंड है. तो वर्टिकली अगर अलाइन है तो हमने यहाँ पर यूज करना है कॉलम, कॉलम एंड कॉलम के अंदर चिल्ड्रन. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास तीन सेक्शन है, रिजल्ट का सेक्शन, सही, एंट्रीज का सेक्शन एंड फोर्थ हमारे पास है बटन्स, बटन सेक्शन जो है, सही है. सो ये हमारे पास मेन तीन सेक्शन है यहाँ पर. सो वील स्टार्ट विद विद रिजल्ट सेक्शन. रिजल्ट सेक्शन में हमारे पास क्या है, जस्ट हमारे पास टेक्स्ट है. सो यहाँ पर मैं जस्ट लिख लेता हूँ रिजल्ट, सही है. अच्छा, जो दूसरा सेक्शन है उसमें अगर आप लोग देख लें, जो एंट्रीज का सेक्शन है इसमें हमारे पास एक बटन है, क्लियर का बटन, मतलब वन बाय वन डिलीट का बटन है. एंड देन हमारे पास एक टेक्स्ट का सेक्शन है. तो मतलब यहाँ पर हमारे पास अभी दो सेक्शन है, एक हमारे पास है टेक्स्ट. इसमें हम क्या कर देते हैं, लेट्स सपोज में मैं यही लिख लेता हूँ कि फोर एंड फोर प्लस फाइव इक्वल्स टू नाइन. चले फोर टाइमिंग ये मैं लिख लेता हूँ, फोर प्लस फाइव प्लस प्लस सिक्स या मल्टीप्लाई बाय सेवन. तो ये हमारे पास ये सेक्शन, और इसके साथ साथ हमारे पास, सॉरी, ये जस्ट हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन नहीं है, ये हमारे पास एक बटन है और एक हमारे पास टेक्स्ट है. तो उसको हमने रो में रखना है. So children, and then over here we are having text, and along with that हमारे पास एक बटन है. तो अगर बटन हमारे पास है तो उसको हम एक आइकन बटन भी यूज कर सकते हैं, सही है. सो आइकन बटन में हमारे पास आइकन है, तो आइकन डॉट क्लियर का आइकन है ना. तो हम देखते हैं कि बैक, ये सही है, बैक स्पेस का एक आइकन हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं. ऑन प्रेस है तो ऑन प्रेस में हम ऐड कर देंगे, सही है. सो आइकन है तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे इसको आइकन चाहिए, हमने आइकन डेटा दिया हुआ है. सो आइकन एंड आइकन के अंदर आइकन डेटा. सो यहाँ पर हमारे पास ये सेक्शन भी इसका हो गया है. एंड इसके बाद हमारे पास, सो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये सेक्शन आ गया है, हमारे पास वो फोर जो हमने लिखा था वो भी आ रहा है. बट एनी हाउ दैट्स ऑन द स्टेटस बार. सो स्टेटस बार से नीचे लाने के लिए हम इसको सेफ एरिया में रखेंगे. सो सेफ एरिया, सो दिस इज नाउ ऑल दिस विजेट्स ऑन सेफ एरिया. इसमें एक और बात भी है, अगर आप लोग देख लें, ये हमारे पास
राइट अलाइन है, तो राइट अलाइन करने के लिए हमारे पास ये टेक्स्ट कॉलम है, तो कॉलम की जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है तो वो हम एंड कर देंगे, सही है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, सही है। सो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड से हमारे पास वो तो टॉप का जो टेक्स्ट था वो तो लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन हो गया है, बट अगर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास रो है, तो रो ने ऑलरेडी पूरा स्पेस लिया हुआ है स्क्रीन का, सो दैट्स व्हाई ये बिल्कुल राइट पे नहीं जा रहा। सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके जो क्रॉस मेन एक्सिस अलाइनमेंट है रो का, तो रो का मेन एक्सिस अलाइनमेंट कर देंगे हम एंड, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, इसको भी एंड कर देंगे तो ये भी बिल्कुल एंड पे हमारे पास अलाइन हो जाएंगे, सही है, बिल्कुल राइट पे हमारे पास अलाइन हो जाएंगे। अब इसमें एक बात है, यहाँ पर अगर आप लोग देख लें ये आइकन का बटन जो है इसका अपना एक टैप एरिया है, सो दैट्स वाई बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट पे इसको कुछ पेडिंग थोड़ी सी मिल रही है, सो जो कि हमें भी यहाँ पर चाहिए। अब इसके अलावा हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसको लेफ्ट पे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए एंड टॉप से पेडिंग चाहिए इसको। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक्सट्री डिजाइन चूके नहीं है, सो दैट्स वाई वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक कि यार हमने टॉप से कितना देना है बॉटम से कितना देना है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं स्पेसिंग जो है इसको मैं इसको साइज बॉक्स लगा के इसको तकरीबन टॉप से देता हूँ, हाइट इसको मैं देता हूँ, हाइट इसको लेट सपोज कर लेते हैं 100, सो आई थिंक देट वुड बी इनफ 100 स्पेसिंग जो है, सो देट समथिंग लुक्स लाइक द सेम। इसको हम चलो 80 कर देते हैं 80। अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसका हमने थोड़ा सा जो स्टाइलिंग है वो चेंज करनी है, सो स्टाइल राइट नाउ सारा कुछ मैं यही पे कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, जब आपके पास बड़ा एप्लीकेशन होगा तब आपने वो जो लास्ट एप्लीकेशन में जो आपको मैंने चीज़ें बताई थी तो आपने फिर वो फॉलो करनी है, छोटा एप्लीकेशन हो तो उसको आप जल्दी जल्दी यही पे कर सकते हैं। सो इसका कलर है फर्स्ट ऑफ ऑल कलर्स डॉट वाइट एंड उसके बाद हमारे पास फॉन्ट साइज है इसका, तो फॉन्ट वेट है तो फॉन्ट वेट भी बोल्ड है हमारे पास, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड एंड देन उसके बाद ये ऑलरेडी आपको पता है, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट एंड क्विकली, सो देव एंड फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट साइज हम रख देते हैं इसको लेट सपोज 30, चेक करते हैं कि हमारे पास सही आ रहा है, बट एक्चुअली अभी हमारे पास बिल्कुल बैकग्राउंड वाइट है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर देख लें यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास कुछ डार्क ग्रे टाइप का बैकग्राउंड है, बल्कि हम यहाँ से इसका जो इसके जो कलर्स हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 333 and 4646 and 4646, तो यहाँ पर ये जो स्केफल्ड का बैकग्राउंड है कलर बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पर हम वो कलर दे सकते हैं कलर 0xff 4646 and 4646, ये हमारे पास बैकग्राउंड का कलर है, सही है। सो सही है बैकग्राउंड का कलर हमारे पास आ गया है, टेक्स्ट भी हमारे पास आ रहा है, सो टेक्स्ट का कलर वाइट है बट उसका साइज थोड़ा कम लग रहा है मुझे, सो इसको कर देते हैं 40 का जो टेक्स्ट है, सही है। सो आई थिंक दैट्स ओके, नाउ उसको कुछ पेडिंग दे देते हैं लेफ्ट से सॉरी राइट से, नॉट ओनली एंड राइट से, सही है। सो आई थिंक इट्स ओके नाउ, ओके सो ये हमारे पास क्लियर हो गया है, इसका बैकग्राउंड सेट है, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम ये वाला कलर भी उठा दें, ये 333 है, चलें ये कलर हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे कंटेनर में, सो दिस वन इज़ क्लियर। नाउ इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं, ये EB5757 है, सो ये बटन का जो कलर है यहाँ पर, ये आइकन का जो कलर है इसको हम कलर दे सकते हैं, सही है। सो इसका कलर है 0xff EB57 and 57, सही। सो उसका कलर भी रेड हो गया है एंड देन यहां पर हमने इसको स्टाइलिंग
इसकी स्टाइलिंग की है, सो ये जो टेक्स्ट है इसको भी हम स्टाइल कर देते हैं। सही, इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको 25 तक ले आते हैं। ओके, सो ये सेक्शन हमारे पास हो गया है। अभी जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है, ये ऊपर का सेक्शन नहीं है, एक्चुअल जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो ये वाला सेक्शन है। ये सेक्शन हमारे पास इम्पोर्टेंट है, सो इसको अभी हम डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह अभी लास्ट में लास्ट सेशन में आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पर हम हमने जो एक बॉक्स यूज़ किया था, जो कंटेनर यूज़ किया था, उसको हमने एक्सपेंडेड के अंदर डाल दिया था। एक्सपेंडेड से ये हुआ था कि जो बाकी स्क्रीन पे जितनी स्पेसिंग थी वो सारी स्पेसिंग उसने ले ली। सो यहाँ पर भी हमारे पास सेम हम सेम तरतीब फॉलो करते हैं। यहाँ पर हम एक एक्सपेंडेड के अंदर एक कंटेनर ले लेंगे। सही है, एक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड के अंदर हम एक कंटेनर डाल देंगे। सही है, एंड कंटेनर का हमारे पास कलर क्या होगा वो हम यहां से उठा लेते हैं। कंटेनर का कलर यहां से हम उठा सकते हैं, यहां पर दिया हुआ है 333 एंड 333। चलें इसको हमने डेकोरेशन देनी होगी। डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, जीरो एक्स एफ एफ, तो हमारे पास वो बॉक्स आ गया है। अब इसको हमने इसका जो बॉर्डर है वो राउंड करना है। सो बॉर्डर रेडियस, सो दिस बॉर्डर रेडियस नॉट ओनली टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। सही है, सो रेडियस डॉट सर्कुलर इसको चाहिए होता है, सो इट्स 20 एंड सेम फॉर द अदर वन एज वेल, ये टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। सही है, सो इसके बिल्कुल कॉर्नर अगर आप लोग देखें वो राउंड हो गए हैं। सो अगर कुछ ज्यादा राउंड करना है तो 30 कर लेते हैं उसको। सही है, सो इसके कॉर्नर हमारे पास राउंड हो गए हैं। अब इसको यहां से अगर हम देख लें, इसको थोड़ी स्पेसिंग मिली हुई है टॉप से, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं साइज बॉक्सेस लगा के, साइज बॉक्स, और उसको हाइट दे देते हैं 10। सो ये हमारे पास हो गया है। अभी ये हमारे पास बाकी जो डिजाइन है ये सेट हो गया है। अब इस डिजाइन में अगर आप लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ इंटरनल पेडिंग इसको मिली हुई है लेफ्ट एंड राइट बॉटम टॉप पे, तो हम इंटरनल पेडिंग दे देते हैं। कंटेनर है हमारे पास, तो कंटेनर में हम इंटरनल हमारे पास पेडिंग ऑलरेडी मौजूद होती है, सो दैट्स एज इनसेट्स डॉट डॉट ऑल कर देते हैं, और ऑल मेल सपोज उसको हम देते हैं 8। सही है, सो बाकी जो इंटरनल एरिया है उसको पेडिंग मिल गई है, बाकी जो हम यूज करेंगे यहाँ पर तब हमें नजर आएगा। सो दैट्स कंटेनर, ओके, सो ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में हमें चाइल्ड, अब चाइल्ड में यहाँ पर क्या होगा, अब ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इस यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसको हमने एडजस्ट करना है, जो डिज़ाइन है इसी के मुताबिक हमने इस डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। सो अब यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोचेज हो सकते हैं, ये जो बटन है इनको बनाने के लिए। एक हमारे पास हो सकता है कि हम रो यूज करें, सो दिस इज द फर्स्ट रो 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 एंड रो। सही है, एंड उसके बाद हम कॉलम यूज करें, रो ऑफ कॉलम यूज करें या कॉलम ऑफ रो यूज करें। सही है, ओके, सो हम क्या करते हैं, हम कॉलम्स यूज करते हैं। फर्स्ट कॉलम ये होगा, सेकंड कॉलम ये होगा, थर्ड एंड फोर्थ, और इन सबको हमने रखना है रो के अंदर। सही है, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास एक्चुअली अगर हम रो यूज करते हैं तो एंड में ये रो जो है इसमें डबल रोज में हमारे पास ये एक बटन आ रहा है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेहतर बेहतर अप्रोच ये है कि आप कॉलम सॉरी रो ऑफ कॉलम्स यूज करें। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रो का विजिट यूज करूंगा। सही, एक्सपेंडेड है तो एक्सपेंडेड में हम रो यूज करेंगे। सही है, और चिल्ड्रन में फिर
ओके okay. अब इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, एक दो तीन चार फोर कॉलम्स हैं इसमें, सही है। सो कॉलम नंबर वन एंड टू थ्री एंड फोर, टू थ्री एंड फोर, सही है। सो इसमें हम ये चार कॉलम्स यूज करेंगे। अब मैं यहां पर एक कॉलम का विजिट यूज करता हूं। ओके अब यहां पर हमारे पास एक और बात आती है कि हम यहां पर कॉलम तो यूज कर रहे हैं, बट कॉलम की स्पेसिंग क्या होगी, कॉलम कितना स्पेस लेगा, वर्टिकल कितना स्पेस लेगा, हॉरिजॉन्टली कितना स्पेस लेगा। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी यहां पर हम एक्सपेंडेड यूज कर सकते हैं। एक्सपेंडेड यूज करेंगे तो हमारे पास चार कॉलम्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अब एक्सपेंडेड का फायदा ये होता है ना कि अब एक्सपेंडेड यूज करते हैं, लेट्स सपोज अब मैं इसमें एक्सपेंडेड यूज करता हूँ। चलें आपको फर्स्ट में बता दूं कैसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा आपको मैं ये एक्सपेंडेड का जो पूरा सीन है वो समझा दूं। अब कॉलम है तो कॉलम के अंदर लेट सपोज में ये रो है तो रो को मैं एक्सपेंड करता हूँ एक और, इसको मैं यूज करता हूँ एक्सपेंडेड विजिट। सही, ओके सो ये कॉलम है एंड कॉलम को हम देते हैं स्पेस। यहां पर कॉलम की बजाय मैं क्या करता हूँ, फोटाइमिंग कंटेनर यूज करता हूँ। तो कंटेनर एंड इसको मैं कलर देता हूँ, सो कलर्स डॉट रेड, सही है। अब इसको जब मैंने कलर डॉट रेड दिया है तो उसने पूरा पूरा स्क्रीन को जो है ना उसे एक्वायर कर लिया है। अब इसको मैंने एक्चुअली इसको मैंने एक्सपेंडेड की वैल्यू दी है, सो दैट्स व्हाई इट्स एक्वायरिंग होल स्क्रीन, सही है। अब लेट सपोज इसको मैं करता हूँ, लेट सपोज फोर टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चार कॉलम्स आ जाएंगे ना। सो ये रेड है, इसको मैं करता हूँ ब्लू, सही है। इसको मैं करता हूँ येलो, इसको मैं करता हूँ ग्रीन, सही। सो अब एक्सपेंडेड में हमारे पास क्या है, अब इसने सबको जो है ना वो इक्वल स्पेसिंग दी है हॉरिजॉन्टली, सही है। अब हॉरिजॉन्टली ये अब हमारे पास रो है ना, तो रो में ये इसको हॉरिजॉन्टली इसने इक्वल स्पेसिंग दी है, और वर्टिकली में जितना जितनी स्पेस इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो सारे उस पूरी पूरे स्पेस को उन्होंने एक्वायर कर लिया है। सो एक्सपेंडेड हमारे पास ये करता है कि अब ये भी ऊपर एक्सपेंडेड था तो एक्सपेंडेड हमने यूज किया तो वर्टिकली वो पूरा जो एरिया हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था उसमें एक्सपेंड हो रहा है, सही है। अब यहाँ पर भी ये एक्सपेंडेड जब हम यूज करते हैं तो इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स, वो फ्लेक्स समझने की है। सो फ्लेक्स राइट टर्म्स में बाय डिफॉल्ट वन होती है, तो लेट्स सपोज मैं इसको देता हूँ, इसको मैं फ्लेक्स देता हूँ टू, सही है। तो अब ये करता है, असल में ये हमारे पास रेशो है फ्लेक्स, जिन्होंने वेब में काम किया हो तो उनको फ्लेक्स का थोड़ा सा पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि फ्लेक्स फ्लेक्स प्रॉपर्टी सीएसएस में हमारे पास एक वहां पर भी मौजूद है। सो फ्लेक्स क्या करता है, जब इसको मैं सबको मैं वन वन देता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसमें ऑलरेडी वन है एक्सपेंडेड में, तो ये क्या करता है, ये सबको इक्वल स्पेसिंग दे देता है, सही है। मतलब लेट सपोज इसको मैं इसको भी वन है, सो ये कितना स्पेसिंग लेगा, ये वन रेशो फोर लेगा, सारे जो है वन वन रेशो फोर स्पेसिंग लेंगे, सही है। इसमें कितनी ये कितना स्पेस होगा, वन रेशो फोर, सही है। अगर लेट सपोज मैंने करना है यहाँ पर मैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी करता हूँ टू, तो ये क्या करेगा अभी ये जो स्पेसिंग इसकी होगी वो होगी टू रेशो फोर, सही है। तो मतलब बाकी जितना स्पेस ले रहे हैं उससे ये ज्यादा, सॉरी टू रेशो फाइव लेगा, सही है। तो इस तरह हम इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज एक एक रो में यहां से हटा दूं तो बाकी जो स्पेसिंग होगी ना वो इनके दरमियान आपस में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी। अब ये देखें इसको मैं लेट्स सपोज फ्लेक्स से टू से हटा के वन कर देता हूँ, या इसको मैं हटा देता हूँ बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी वन है, तो ये देखें सारे इक्वली स्पेसिंग सबको मिलेगी। सो दिस इज हाउ आप है ना डायनेमिकली अगर आपने कुछ बनाना है स्क्रीन पे तो आप इसको इस तरह एक्सपेंडेड का विजिट भी यूज कर सकते हैं। बट अभी अगर आप लोग देख लें यहाँ पर हमें कितने चाहिए, चार, तो हमें उन सब में इक्वल स्पेसिंग चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉलम ओवर हियर, सॉरी एक्सपेंडेड ओवर हियर विद फोर फोर विजिट्स, सही।
ये तो हमारे पास हो गई है वर्टिकल स्पेसिंग, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, इनको सबको इक्वली मिल रही है क्या? यहाँ पर चले एक, मैं वो दोबारा से डाल देता हूँ, विजिट दोबारा से आ गया है इसमें। तो हमारे पास अभी ये देख लें 4 विजिट्स होंगे, इक्वल स्पेसिंग सबको मिलेगी। तो हमने जस्ट करना क्या है, यहाँ पर जस्ट फॉर नाउ मैंने कंटेनर यूज किया है। कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, कंटेनर की जगह मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एक कॉलम, सही है, एंड कॉलम के अंदर चिल्ड्रन होंगे। एंड चिल्ड्रन में क्या होगा, चिल्ड्रन में मैं कंटेनर यूज करता हूँ, सही है। ओके, सो यहां पर मैं अगेन क्या करता हूं, यहां पर मैं अगेन एक्सपेंडेड यूज करता हूं। और चाइल्ड उसका कंटेनर करके, इसको मैं कलर देता हूं। कलर्स.रेड, सॉरी कलर.ब्लू, सो उसने वो पूरा स्पेस ले ली है। कलर डॉट ब्लू नहीं, इसको मैं कर देता हूँ कलर डॉट ग्रीन, कि हमारे पास ये प्रॉपरली, मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर सकूँ इसको। तो इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया है। सो अब ये जो हमारे पास एक विजेट है वो पूरा पूरा स्पेस ले रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेंडेड है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हमें एक्चुअली कितने बटन चाहिए, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 बटन चाहिए ना यहाँ पर। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको ये ग्रीन है, ये हो गया है, इसको मैं एडिट करता हूँ, इसको मैं देता हूँ ये कलर कर दिया है, इसको मैंने इसको कर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रे आउट कर लेते हैं इसको। येलो कर, तो आप लोग देख लें आपके पास जितनी स्पेसिंग है ना उसने इक्वली सब में डिवाइड कर दी है। तो एग्जैक्टली सेम सीन हमने यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट में भी अप्लाई करना है यहाँ पर। तो ये जस्ट आपको दिखाना था कि मतलब इसको हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, सही है, क्लियर। दिस इज हाउ यू यू कैन डिवाइड द होल स्पेसिंग इनटू डिफरेंट एक्सपेंडेड विजेट्स, सही है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से मेरा मतलब थोड़ा सा आपको एक्सपेंडेड का वो पूरा सीन समझाना था कि एक्सपेंडेड किस तरह हो सकता है। अब लेट सपोज को मैं करता हूँ, लेट सपोज को मैं फ्लेक्स देता हूँ, फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज को मैं 4 देता हूँ। तो ये उन्हीं के मुताबिक फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी ज्यादा ज्यादा एरिया ये कवर करेगा। ये देखें बाकी 4 इसने दिया है, तो अब ये टोटल हो जाएगा मतलब 4 5 6 7 8, तो 8 of 4 इसने लिया हुआ है। मतलब इसने इसने कितनी स्पेसिंग ली है, इसके पास जो स्पेसिंग है वो 4:8 होगी, सही है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये तकरीबन वो इसमें एक प्रॉपर्टी है बूटस्ट्रैप में, अब मेरे तरह से निकल गई, जैसा हम रोज एंड कॉलम उसके उसके थ्रू बनाते हैं। तो ये तकरीबन तकरीबन सेम प्रॉपर्टी है, इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जस्ट ये आपको थोड़ा सा आइडिया देना था कि हम इसको किस तरह अपने विजन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा अभी हमने करना क्या है, ये तो जस्ट वो प्रैक्टिस के लिए था कि आपको यहाँ पर इसकी समझ आ जाए। इसको मैं रिमूव करता हूँ दोबारा से सारे विजेट्स को, चिल्ड्रन से। यहाँ पर हमारे पास एक रो है, एंड रो के अंदर हमने यूज करने होंगे कॉलम, सही है। दिस इज कॉलम नंबर 1, एंड 4 4 कॉलम हमने यूज करने हैं, 2 3 एंड 4, सही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम कॉलम एंड कॉलम के अंदर होंगे चिल्ड्रन, सही।
अब यहाँ पर भी सेम हमने ये बटन्स हैं, तो हमने ये कस्टम विजिट्स ही बनाने होंगे, राउंडेड कस्टम विजिट्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट होगा, सो यहाँ पर हम ये सारी चीजें कस्टम ही बनाएंगे। ओके, सो हमारे पास ये एक कॉलम है, और सेम ये सेम कॉलम हमने यहाँ पर दूसरे सेक्शन में भी बनाने हैं। सो कॉलम का एरिया है, सॉरी कॉलम है, एंड कॉलम में हम क्या कर देंगे, एक रो है, एंड रो के अंदर इस कॉलम को हम लेंगे एक्सपेंडेड, यस एक्सपेंडेड लेंगे। सो एक्सपेंडेड होगा ये, तो ये जो स्पेस आपके पास अवेलेबल है वो ले लेंगे। बल्कि इसको हम तीनों के लिए कर देते हैं ताकि हमारे पास फिर यहाँ पर अंदाजा हो कि ये इक्वल स्पेस ले रहे हो। ओके, अब ये हमारे पास चार कॉलम्स हो गए हैं। अब चार कॉलम्स के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास जितने विजिट्स हैं ये इसको हमने अब इनको हमने इक्वल स्पेसिंग देनी है। सो इनको हम किस तरह इक्वल स्पेसिंग दे सकते हैं, कॉलम है सो कॉलम में हमारे पास पांच विजिट्स हैं, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन है, एंड चिल्ड्रन में हमने एक बटन बनाना है, सो कंटेनर के थ्रू ही बना देते हैं इस बटन को, कंटेनर एंड राउंडेड बटन। ये चलो ये बटन हम फर्स्ट नीचे बना लेते हैं, कस्टम विजिट बनाते हैं यहाँ पर, सही है। व्हाइट राउंडेड बटन, इसमें हमारे पास दो बटन है, एक व्हाइट राउंडेड बटन है और एक हमारे पास ग्रे वाओ राउंडेड बटन है। सो हम यहाँ पर दो बटन बनाते हैं, ये चलो एक ही बटन बनाते हैं राउंडेड बटन, और उसको हम एक फ्लैग पास करते हैं साथ में, कस्टम राउंडेड बटन, सही है। इसको साथ में एक फ्लैग पास करेंगे कि एस ग्रे, सही है, बूल एस ग्रे, एंड एस ग्रे के थ्रू ही इसको मुख्तलिफ कलर्स देंगे, कस्टम राउंडेड बटन। एंड इसको हम क्या क्या पास करेंगे, एक इसको टेक्स्ट पास करेंगे, ऑन प्रेस का फंक्शन पास करेंगे, एंड ये एक फ्लैग पास करेंगे, ये फाइनल इसको निकलते हैं, फाइनल फाइनल टेक्स्ट एंड फाइनल ऑन टेस्ट। दिस डॉट ऑन टेस्ट, दिस डॉट टेक्स्ट एंड दिस डॉट इज ग्रे, सही है। तो ये तीनों वैल्यूज इसको हम पास करेंगे, उसी के मुताबिक हमारे बटन्स बनेंगे। एंड यहाँ से हम रिटर्न करेंगे कंटेनर, एक कंटेनर होगा। अब इस कंटेनर का हम एक स्पेसिफिक साइज रखते हैं, हाइट एंड विड्थ, सो इसका हम रखते हैं 40, नहीं 40 नहीं बल्कि 70 इनफ होगा, 70 एंड 70 विड्थ, ये इसका 70 रखते हैं। अच्छा, अब इसका कलर क्या होगा, बॉक्स डेकोरेशन, सॉरी डेकोरेशन, जो कंटेनर का कलर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा वो डिपेंड करता है इस ग्रे वैल्यू पे ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलर रखते हैं इसका,
सो कलर कलर हमारे पास क्या होगा, अगर ए इज ग्रे, अगर ये हमारे पास शू है, सो तो हमने इसका कलर क्या रखना है, इसका कलर हमने ये ग्रे टाइप का कलर रखना है, सही है। अगर ट्रू नहीं है तो हमने क्या रखना है, इसका कलर व्हाइट रखना है, सही है। सो 0xff, ये कलर हमारे पास क्या था, ये जो ग्रे टाइप का कलर था, जो बैकग्राउंड को हमने दिया हुआ है, ये है 4646 एंड 46, 4646 एंड 46, सही है। हमने ये देना है, अदरवाइज हमको इसको हमने क्या क्या देना है, कलर्स डॉट व्हाइट, सही है। सो ये हमारे पास एक कंडीशनल आर्गुमेंट है, ए इज ग्रे, अगर ग्रे ट्रू होगा तो कलर को कौन सी वैल्यू पास होगी, ये वैल्यू असाइन होगी, अदरवाइज उसको ये वैल्यू असाइन होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट एज वेल। दूसरा हमारे पास फिर क्या है, बॉर्डर रेडियस है, सही है। सो दिस बॉर्डर द रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड सर्कुलर पे हमारे बॉर्डर रेडियस देना है, इसको हम देते हैं 80, ताकि हमारे पास फुल राउंडेड आ जाए। तो हम इस बटन को यहाँ पर यूज करते हैं, एंड उसका अगर आउटपुट देखते हैं एक नजर, कस्टम राउंडेड बटन एंड ए इज ग्रे, इसको हम ट्रू पास करते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्रे कलर का एक बटन आ रहा है, अगर इसको मैं फॉल्स पास करता हूँ, ये देखिए हमारे पास व्हाइट का आ रहा है, सही है। तो इसमें एक और भी हम ऑप्शन डाल सकते हैं, इसको हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, सही है। डिफॉल्ट वैल्यू इसको मैं देता हूँ ट्रू, डिफॉल्ट वैल्यू इसको मैं फॉल्स देता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा, सही है। सो बाय डिफॉल्ट जब फॉल्स होगा तो लेट सपोज उसको मैं जब वैल्यू पास यहाँ से नहीं करूंगा तो उससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली वो उसको फॉल्स कर देगा और हमारे पास व्हाइट बटन आ रहा होगा यहाँ पर, सही है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। तो एक बटन हमारे पास आ गया है, अब यहाँ पर इसको हमने थोड़ा टेक्स्ट भी देना है कि इसका टेक्स्ट क्या होगा। सो यहाँ पर ये बटन है, एंड बटन के अंदर ये हमारे पास चाइल्ड, चाइल्ड इसमें हम एक रख देते हैं टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट में क्या होगा, ये जो ऊपर से हम टेक्स्ट इसको पास कर रहे हैं, एंड उसका स्टाइल क्या होगा, स्टाइल हम एक नजर देखते हैं कि इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। स्टाइल में हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल, कलर उसका क्या होगा, कलर डिपेंड करता है कि हमने एस ग्रे पास किया हुआ है या नहीं, अगर एस ग्रे हमने उसको अगर एस ग्रे ट्रू है तो मतलब क्या है कि हमारे पास ग्रे बटन है, और ग्रे बटन में हमारे पास कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट है। सो अगर एस ग्रे है सो कलर डॉट व्हाइट रखना है उसका, अगर ग्रे नहीं है तो अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, ब्लैक होगा, कलर्स डॉट ब्लैक। अब इसको हमने कुछ पास नहीं किया, इस वजह से वहां पे नल आ रहा है, एंड अदर देन डेट यहाँ पर इसको सेंटर भी करना है, सेंटर करेंगे तो हमारा बिल्कुल टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अब हमने इसको कुछ पास नहीं किया तो इस वजह से यहाँ पर नल आ रहा है। सो दैट्स व्हाई लेट्स पास अ वैल्यू फ्रॉम हियर टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट में हम क्या पास करते हैं, लेट्स सपोज फॉर टाइमिंग एसी पास करते हैं। तो ये आप देखें हमारे पास एसी का बटन आ गया है। अब यहाँ पर स्टाइलिंग में इसको हम फॉन्ट साइज भी देते हैं, फॉन्ट साइज को हम देते हैं 20, ट्वेंटी फाइव कर लेते हैं, सही है, 25, एंड फॉन्ट वेट, सो फॉन्ट वेट डॉट सीमी बोल्ड, सो सीमी बोल्ड हमारे पास 600 है। सही है, तो ये हमारे पास एक बटन बन गया है, और यहां पर हमें कितने बटन चाहिए, 5 बटन चाहिए। सो वी एस कस्टम बटन, ये सही, इसको लेट सपोज हम करते हैं, सही। अब यहां पर हमें 5 बटन चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर ये है कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वली डिवाइडेड है सब में ना, तो
हम कर लेते हैं इसको, यहां पर है ना कॉलम है, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट, एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस, ये क्यों नहीं आ रहा, स्पेस बिटवीन, सही है। तो सारे जितने भी हमारे पास बटन्स थे उसको हमने स्पेस बिटवीन कर दिया है, स्पेस अराउंड कर देते हैं कि ऊपर नीचे भी उसकी थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, सही है। सो ये हमारे पास हो गए हैं स्पेस अराउंड। सो ये हमारे पास फर्स्ट बैच ऑफ बटन यहाँ पर हो गए हैं। सो दिस आर लाइक द फर्स्ट बैच ऑफ बटन ओवर हियर, एंड इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट बैच है। तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट डिजाइन दिस दिस यूआई, सही। अब हमने करना क्या है, चलें इसको सही करते हैं, 1 2 1 4 7 1, एंड ये हमारे पास ए इज ग्रे, इसका ट्रू है तो उसको हम ट्रू कर देते हैं। सही, 1 4 7 is very true। तो ये हमारे पास यहाँ पर 1 4 7 के बटन आ गए हैं, एंड प्लस माइनस, तो ये हमारे पास एक रो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास ये सेकेंड रो है, तो मैं इसी कॉलम को, सेम कॉलम को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये कॉलम नंबर 2 हो जाएगा, सही। अब ये हमारे पास रो था, तो रो में क्या कर लेंगे इसको, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, चलिए अभी हम इसको एडजस्ट करते हैं ना, ये भी बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई 2 3 4। दिस कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 4 3, कॉलम नंबर 4, एंड वन टू थ्री फोर। सो वी आर हैविंग जस्ट 4 कॉलम्स, एंड बाकी जो नीचे हमने जो दूसरे कॉलम्स बनाए थे उसको हम रिमूव कर लेते हैं, तो इसकी साइजिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पर ये देखें, हमारे पास तकरीबन वो कैलकुलेटर का स्क्रीन बन गया है। अभी ये परसेंटेज का बटन है, परसेंटेज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर मुझे डिवाइड का साइन नहीं मिल रहा, सो दैट्स व्हाई डिवाइड का साइन इसमें शायद ना हो। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड दिस यूआई, सही है। सो यहाँ तक हमारा जो मेन यूआई का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो बाकी इसमें जस्ट एक चीज है, वो जो आखिरी कॉलम है, लास्ट कॉलम, उसमें हमारे पास ये बटन है, इस बटन को हमने ठीक करना है। यहाँ पर हमारे पास इसका साइज डबल है, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो आखिरी कॉलम है फोर्थ नंबर, इसमें हमारे पास 2 बटन नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक बटन है जस्ट, और एक बटन है, और उसमें क्या है, उसका साइज भी थोड़ा डिफरेंट है, सही है। सो उसका मैं कर देता हूँ, इसी को मैं, सॉरी, कस्टम डबल बटन का नाम दे दिया है उसको मैंने, सही। एंड उसको ग्रे में हटा के,
कस्टम डबल बटन बना दिया। अब इसको मैं दोबारा बना नहीं सकता, इस वजह से मैंने इसको ये चीजें चेंज कर दी इसकी। इस ग्रे के बजाय इसका कलर हमारे पास क्या होगा, कलर्स डॉट ग्रीन, कलर डॉट ग्रीन होगा। और टेक्स्ट पर जो कलर है वो हमारे पास क्या है, कलर्स डॉट वाइट है। अब इस बटन को हम यहाँ पर यूज करते हैं एंड देन उसको देखते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, कस्टम डबल बटन, और उसको हम टेक्स्ट पास करते हैं इक्वल सॉल्व। ठीक, अब इसका जो हाइट है वो हम डबल कर देंगे। सो इसका हाइट हमारे पास था 70, तो इसको हम 140 कर देते हैं। सॉरी मैंने गलत जगह 140 कर दिए था इसको, सो यहाँ पर 140। सो अब उसका हाइट हमारे पास डबल हो चुका है 140, बट स्टिल उसका साइज एडजस्ट नहीं हो रहा। सो इसको 140 की बजाय हम कर देते हैं 170। सही है। सो अब 170 के साथ उसका हाइट हमारे पास एडजस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और बात भी है, यहाँ पर जो आपको ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, जबकि वहां पर हमारे पास डिजाइन है ये बिल्कुल एंड में है। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन हमारे पास एक विजेट है एंड अब मैं इसको करता हूँ अलाइन, इसमें हमारे पास एक अलाइनमेंट कर अलाइनमेंट डॉट सेंटर बॉटम, बॉटम सेंटर। सही है। सो इससे ये हो गया कि हमारे पास जो टेक्स्ट था ना वो हमारे पास बिल्कुल सेंटर बॉटम में अलाइन हो गया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको थोड़ा सा बॉटम से पेडिंग दे देंगे, तो ये इस डिजाइन के मुताबिक थोड़ा सा एडजस्टेड हो जाएगा। या इसको पेडिंग देते हैं बॉटम से, पेडिंग एज इंसर्ट्स डॉट ओनली एंड बॉटम, बॉटम से इसको हम लेते हैं सपोज 10। सही है। यहाँ तक हमारा जो इस ऐप का जो मेन डिजाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी बटन्स हैं, बटन्स को आप ऑटोमेटिकली कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जस्ट आपने इसको एस ग्रे और ये वैल्यू चेंज करनी है। सो अनटिल नाउ दिस इज हाउ आवर कैलकुलेटर डिजाइन इज एज वेल। सो आई होप सो, तकरीबन तकरीबन हमने ये डिजाइन बना दिया है। बाकी हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा है, सो इस वजह से ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है। अब स्क्रीन का साइज थोड़ा सा छोटा होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को ये जो विजेट्स है ऑटोमेटिकली खुद को ये जो स्पेसिंग है इंटरनल इन इन सारी स्पेसिंग को ऑटोमेटिकली ये इंटरनल में खुद एडजस्ट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर दिस ऐप एज वेल। सो यहाँ तक हमारा इस ऐप का डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी जो इसकी एक्चुअल फंक्शनलिटी है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसमें हम देखेंगे, क्योंकि हमारा आज का सेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन नंबर 4 पार्ट 2 एज वेल। सो दैट्स ऑल वी हैव एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं।